अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने 6 चैप्टर स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। आज मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके परिवार में मतलब उसके वंश में कौन कौन से और दूसरे राजा हो गए जिन्होंने राज किया था और कैसे अपना राज्य बढ़ाया था। एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, एक्सटेंशन यानी बढ़ाना। चंद्रगुप्त ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन पावर ओवर वर्ल्ड ऑफ इंडिया बाय स्प्रेडिंग हिज अथॉरिटी विद द वेलर एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य इन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसके पास बहुत ही नॉलेज था, तो उसका उसकी हेल्प से चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने इंडिया के अलग अलग जगहों पर कब्जा करके अपना पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, कहाँ से कहाँ तक, तो नॉर्थ से लेके अफगानिस्तान, पेशावर, काबुल, कंधार, बंगाल ईस्ट के अंदर बंगाल, वहाँ तक उसने अपना राज बढ़ा दिया। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो, और नॉर्थ और ईस्ट के साथ साथ वेस्ट इंडिया के अंदर भी उसने अपना पावर बढ़ा दिया। इट इज स्टेटेड इन सम ऑफ द सोर्सेज दैट ही हैड हिज रूल इवन इन सौराष्ट्र ऑल्सो, और ऐसा माना जाता है कि इन सभी जगहों के अलावा सौराष्ट्र में भी उसने राज किया था। ही हैड अपॉइंटेड पुष्पगुप्ता अवैश्य अमात्य एज इट्स गवर्नर, और चंद्रगुप्त ने अपने अपने राज्य में गवर्नर के तौर पर पुष्पगुप्ता को अपॉइंट किया था। पुष्यगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनार इन सौराष्ट्र, गिरिनगर इन सौराष्ट्र। और पुष्यगुप्ता जिसे दूसरे राज्यों के को चलाने के लिए गवर्नर बनाया था, तो उसने अपने राज के अंदर क्या किया था एज अ गवर्नर, तो उसने गिरिनगर में सौराष्ट्र में जो नदी है, नदी जहाँ पे बह रही है, वहाँ पे डैम बना के एक और सुदर्शन लेक बनाई थी। कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया वर ऑल्सो पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, मतलब कि मगध एम्पायर के अंदर, यानी कि चंद्रगुप्त ने मगध के अंदर मगध के राज्य को कितना बड़ा कर दिया था कि कोंकण है, ये सब जितने भी राज्य में अभी नाम बोली वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गंडार अफगानिस्तान वर ऑल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त, दस द सॉवरेंटी ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर पूरे इंडिया में फैला हुआ था, धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया था। अब यह है स्टूडेंट्स मौर्य एम्पायर के टाइम का इंडिया, यानी कि मौर्य एम्पायर ने इंडिया का, मौर्य एम्पायर के राजाओं ने इंडिया के कहाँ किस किस जगहों पे राज किया था। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली इंडिया का पूरा पार्ट, पूरा इंडिया ही कवर हो गया है। तो ये पूरे इंडिया में हर एक जगह पे जैसे हम कह सकते हैं कि मौर्य का राज फैला हुआ था। एम्बेसडर एनवॉय, नोट दिस, में एम्बेसडर का मीनिंग है, एम्बेसडर किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन स्टेट सेंट टू अदर, यानी कि एक राज्य के एक पर्सन को उस राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए दूसरे राज्य में भेजा जाता है, उसे एम्बेसडर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम टीचर, तो जैसे कि हमने कल देखा था कि चंद्रगुप्त ने जिस राजा को अपने लड़ाई में हराया था, उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त के साथ करवाई और अपना एम्बेसडर वहाँ पे भेजा। तो वो एम्बेसडर कहाँ का था, तो चंद्रगुप्त ने जिसको हराया था उसके राज्य का था, तो वो उसके राज्य को रिप्रेजेंट करता हुआ चंद्रगुप्त के राज्य में गया था, तो उसे एम्बेसडर कहते हैं। अब आगे चंद्रगुप्त स्पेंड द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ विद जैन मुनि भद्रबाहु इन श्रवण बेलगौदा ऑफ माइसोर नाउ कर्नाटक। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने जिंदगी के लास्ट टाइम कहाँ, किसके साथ और कहाँ पे स्पेंड किया था, मतलब मरने से पहले। तो चंद्रगुप्त ने मरने से पहले अपनी जिंदगी के लास्ट टाइम जो है वो जैन गुरु जिसका नाम, जैन मुनि जिसका नाम था भद्रबाहु, और वो भद्रबाहु था, उसके साथ स्पेंड किया था। और कहाँ पे, तो श्रवण
बेलगोडा जो मैसूर में आया हुआ है वहाँ पे अपना लास्ट टाइम उसने स्पेंड किया था। ही डाइड इन 297 BC। और चंद्रगुप्त कब मर गए, चंद्रगुप्त की डेथ कब हुई, 297 BC में। डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्त 24-year रूल ओवर स्टेट एंड हीज Adoption of Jainism in the last year of his life is found in Jain Puranas। तो चंद्रगुप्त ने 24 साल जो राज किया और राज करने के बाद जब उसका उसके ज़िंदगी का लास्ट टाइम था, मतलब जब वो मरने वाला था, तो उसने जैन धर्म अपना लिया था। मतलब वो पहले से जैन नहीं था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लास्ट टाइम में उसने जैन धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, वो जैन बन गया था। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में वो कहाँ से हमें मिलती है, तो जैन पुराणास से हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे द हिस्ट्री बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया कॉल्ड प्री हिस्ट्री। यानी स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, तो मौर्य के राजा जो थे वो इंडिया में आए, इंडिया के ऊपर राज किया, करना स्टार्ट किया, उससे पहले का जो टाइम था उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। द एग्जैक्ट एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये द मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। और मौर्य एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर और उसे धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से, जैसे मैंने आपको आगे कहा। और इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर इसको माना जाता है, किसको, मौर्य एम्पायर को इंडिया का पहला हिस्टोरिकल एम्पायर माना जाता है, हिस्टोरिकल राज माना जाता है। सोर्सेस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसके यहाँ पे लिस्ट दी है। तो पहला है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, यही बुक है जिसको किसने लिखा है, आचार्य विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने। सेकंड है इंडिका, यह भी बुक है जिसको किसने लिखा है, मेगास्थेनेस ने। ये मेगास्थेनेस वही एम्बेसडर है जिसको चंद्रगुप्त के राज्य में भेजा गया था। अब थर्ड है दीपवंश एंड महावंश, ये भी बुक का नाम है जिसको लिखा था बुद्धिस्ट, ये एक बुद्धिस्ट टेक है यानी कि बुद्ध रिलीजन की बुक है। अब लास्ट है मुद्रा रक्षक या एक ड्रामा है जिसको वैशक दूत ने लिखा था। तो ये है स्टूडेंट्स अलग अलग बुक्स जिससे आपको मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इन एडिशन टू दिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन। इसके इन बुक्स के अलावा भी आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, स्टोन इंस्क्रिप्शन से। स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी कोटर के जो लिखा जाता है वो। पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर यानी कि खंभा, उसके पहले के राजा उसके ऊपर भी सब कुछ लिखवाते थे, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। केव टेक इंस्क्रिप्शन यानी कि गुफाओं के अंदर भी लिखा जाता था, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्तूप एंड विहाराज, इनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हिस्ट्री के बारे में इन सभी चीज़ों से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की आगे की इन्फॉर्मेशन, और आपको हिस्ट्री के बारे में कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो भी हमने देखा। अब आगे हम नेक्स्ट कैसे राज्य बढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा राजा बना था वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक